हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम OSI मॉडल की सीरीज़ में नेटवर्क लेयर देखेंगे, नेटवर्क लेयर के फंक्शंस और किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, ये सारी हमारी लेयर्स हैं, इसमें से मैं ये चार लेयर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। चौथी लेयर के बाद ये हमारी सेंडर की साइड से पाँचवीं लेयर आती है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के सारे फंक्शंस और रोल क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इसलिए आपको डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फंक्शन समझ जाओगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा नेटवर्क लेयर का वर्क। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से होते हुए आपने जो डेटा पैकेट जो भी सेंड किया है वो नेटवर्क लेयर में आता है, उसके बाद वो डेटा लिंक लेयर में जाएगा। तो उसके फंक्शन क्या है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा होस्ट टू होस्ट आपको देता है कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, नेटवर्क लेयर। फर्स्ट फंक्शन है हमारा होस्ट टू होस्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये होस्ट टू होस्ट कनेक्शन किस तरह से प्रोवाइड करता है, तो देखिए ये दो आपके यहाँ पर मैंने टोपोलॉजी ड्रॉ की है, बस ये सारी टोपोलॉजी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की है। आगे के आपको देखना है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी जस्ट यहाँ समझिए, ये आपकी एक रिंग टोपोलॉजी है, एक ये हमारी बस टोपोलॉजी है। तो ये दो बस टोपोलॉजी में ये सारे हमारे नेटवर्क्स लगे हुए हैं। तो अब इस टोपोलॉजी से दूसरे टोपोलॉजी में कनेक्शन हमको इस्टेब्लिश करना है। ये ए टू नेटवर्क है जो हमारा है, ये बी वन, ये ए टू जो नेटवर्क है हमारा वो बी टू के साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो इसके लिए हमको देना पड़ेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, होस्ट टू होस्ट कह लो, सोर्स टू डेस्टिनेशन कनेक्शन या मशीन टू मशीन कनेक्शन प्रोवाइड करना है। वो नेटवर्क लेयर से होस्ट टू होस्ट कनेक्शन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काम है होस्ट टू होस्ट कनेक्शन का, कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन को प्रोवाइड करना। ठीक है, आपको होस्ट टू होस्ट समझ में आ गया कि दोनों नेटवर्क में अलग अलग होस्ट हैं, उनमें दोनों के नेटवर्क अलग अलग हैं, उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर में, सॉरी नेटवर्क लेयर में होता है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं स्विचिंग और राउटिंग। स्विचिंग दोनों इंटरकनेक्टेड ही हैं, पहले स्विचिंग समझते हैं। स्विचिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल थ्रू। स्विचिंग मतलब क्या होता है कि एक ये समझ लीजिए आपका राउटर लगा है, ये किसी नेटवर्क से ज्वाइंट है और यहाँ पर ये डेटा आपके दूसरे नेटवर्क में भेज रहा है। बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, उसके साइड ज्वाइंट हो सकता है। ये जहाँ पर है, ये जो हम भेज रहे हैं, कोई पैकेट भेज रहे हों, डेटा भेज रहे हों, कुछ भी भेज रहे हैं, इसके थ्रू यहाँ राउटर से हम भेजते हैं, राइट। तो ये राउटर जरूरी थोड़ी है एक से जुड़ा हो, बहुत सारे के साथ जुड़ा होगा। तब ये राउटर अब डिसाइड करेगा आपका पैकेट, आपने जो मैसेज भेजा है उसको किस जगह पर किस नेटवर्क पे भेजना है। तो ये जो भेजने का काम करता है उसको क्या बोलेंगे हम, स्विच करना। उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्विचिंग करना बोल रहे हैं, राइट। यहाँ पर राउटर लगा है, आपने जो डेटा भेजा है, यहाँ पर पैकेट या मैसेज भेजा है, उसको किस नेटवर्क पर भेजना है। इसके पास, राउटर के पास इतनी इंटेलिजेंस, इतनी समझदारी होती है कि आपका पैकेट आपने जो भेजा है उसको राइट नेटवर्क पर भेजना, वो काम करता है राउटर स्विचिंग के थ्रू, कि आपका स्विच कर देता है आपका डेटा। अब देखिए राउटिंग क्या होता है, राउटिंग मीन्स, अब देखिए यहाँ पर कितने सारे कनेक्टेड, कितने सारे के साथ ज्वाइंट है। अब आपका राउटिंग क्या काम करेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढ के लाएगा। अब देखिए आप जो पैकेट भेज रहे हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे पूरा घूम के पहले इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास जाए, फिर लास्ट में आपके पास पहुँचेगा। तो ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ। राउटिंग के थ्रू, आपका राउटिंग के थ्रू क्या होगा, आपका मैसेज स्मॉलेस्ट पाथ कन्वर्ट कर देगा, आपके पैकेट की स्मॉलेस्ट पाथ कन्वर्ट करेगा और आपका डेटा बहुत ही फास्ट डिलीवर करेगा, और पाथ कैसी आपकी स्मॉल कर देगा, जिसकी वजह से डेटा फास्ट डिलीवर होगा। तो राउटिंग का काम ये है कि आपकी पूरी शॉर्टेस्ट पाथ कर देगा। अब देखिए, ठीक है, आपको स्विचिंग और राउटिंग समझ में आ गया। स्विचिंग में आपका पैकेट को स्विच करेगा आपके जिस नेटवर्क में भेजना, और राउटिंग में क्या करेगा, स्मॉलेस्ट पाथ आपको देगा, स्मॉलेस्ट पाथ, ओके। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। नेटवर्क लेयर प्रोवाइड कर रहा है, वो किस तरह से प्रोवाइड करेगा। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक प्रोटोकॉल लिखूंगी यहाँ पर। ये आपका राउटर है किसी नेटवर्क के साथ, यहाँ पर एक नेटवर्क लगा है नेटवर्क एन टू, और यहाँ पर दूसरा नेटवर्क लगा है नेटवर्क एन वन। तो अभी आपको एक पॉइंट है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ये पॉइंट है मैक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब आपका एक डेटा है एन टू में, कितने डेटा पे स्टोर हो रहा है, 298 MB का स्टोरेज है इसका नेटवर्क लेयर का, कि इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं स्टोर हो सकता है। तो आप अगर पैकेट भेजना चाह रहे हो, कोई सेंडर है जो पैकेट भेजना चाह रहा है 500 MB का, तो यहाँ पर कितना स्टोर है, हो रहा है 298,
तो अब ये क्या करेगा, ये इस नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर हमारा ये काम करेगी, इसको फ्रेगमेंटेशन कर देगी। वो कैसे करेगी, आपका पूरा डेटा है उसको पार्ट करेगी, एक एक बीट हमारी किस में होनी चाहिए, इसके हिसाब से मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के हिसाब से एक एक यूनिट होनी चाहिए, इसको 298 करके 500 MB में कन्वर्ट करेगी, पूरे फ्रेगमेंट कर देगी, पार्ट कर देगी, फिर वो डेटा भेजेगी N2 को। अब इसमें आसानी से वो चला जाएगा, डायरेक्ट हम भेजेंगे तो क्यों, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो इतनी है 298 MB की, तो वो नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको फ्रेगमेंट करेंगे। तो फ्रेगमेंट करने से आपका डेटा इजिली दूसरे नेटवर्क के पास पहुँच जाएगा। तो ये काम है फ्रेगमेंटेशन लेयर का, राइट। अब पांचवा टॉपिक क्या है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या है, तो अभी हम देख लेते हैं लॉजिकल एड्रेस का क्या काम है। लॉजिकल एड्रेस क्या है, सिंपल में समझा देती हूँ, राइट। तो लॉजिकल एड्रेस मींस ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका नेटवर्क फैला हुआ है, राइट। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके अंदर अलग अलग नेटवर्क होंगे, नेटवर्क के अंदर होस्ट होंगे अलग अलग। अब इन होस्ट का क्या, आईपी एड्रेस कुछ होगा, वो आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर वो आईपी एड्रेस ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिक है तो उसको बोलेंगे हम लॉजिकल एड्रेस। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिक नहीं है, जस्ट आपके प्राइवेट नेटवर्क में यूनिक है आपका होस्ट का आईपी एड्रेस, तो उसको बोलेंगे हम फिजिकल एड्रेस। तो नेटवर्क लेयर किस पे काम करता है, आपका लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है। उसका ऑल ओवर एड्रेस जो आपके नेटवर्क का, आपके प्रोटोकॉल का होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, तभी नेटवर्क लेयर डेटा आगे पास करता है। तो नेटवर्क लेयर किस पे काम करता है, लॉजिकल एड्रेस पे। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका जो होस्ट का जो है आईपी एड्रेस वो यूनिक होना चाहिए। तो ये था आज के लिए, आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेयर पे हम बाद में देखेंगे, डेटा लिंक लेयर का। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।